हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। आज हम अहमदाबाद की कुछ टॉप प्लेस देखने वाले हैं, वो भी कितने रुपए है, क्या टाइमिंग है, कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया डील आपको देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल अंकुश सवाणी, जहाँ पे मैं अलग अलग जगहों के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद सिटी टूर में जाना चाहते हो तो उसके लिए बुक आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन करना हो या ऑफलाइन करना हो तो मेरे वीडियो के चल लिंक डालिए, लिंक में जाओगे तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो और मोबाइल नंबर है वहाँ जाके आप ऑफलाइन बुक करा सकते हो। दोस्तों, आप जो सामने जो बस देख रहे हो उस बस में आप हमारी सवारी होने वाली हो और वही बस से लेके हम पूरा अहमदाबाद घूमने वाले हैं। ये बस की सुविधा आपको सोमवार को नहीं मिलेगी, उसके अलावा 6 दिन आप इस बस की सुविधा मिल जाएगी। उसके अलावा ये बस आपको हर जगह पे 15 से 20 मिनट का ही टाइम देगी घूमने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता इस बस में। दोस्तों, आपने देखी बस तो कुछ इस तरह की बस है, तो ये उपड़ती है गांधी आश्रम से, जो आपको दोपहर 1:30 बजे उपड़ती है और शाम को 9:30 बजे तक ये पूरी घुमाती है। इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो महज 500 रुपये लेती है इस बस के, जिसमें आपको सिर्फ सीट मिलती है और एक गाइड मिलता है जो आपको गाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको खाना पीना अपने पैसे से ही है, तो वो इंक्लूड नहीं है। ये बस पूरी एसी बस है, तो आइए चलिए देखते घूमते कहाँ कहाँ घुमाती है बस और पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ इस बस के बारे में। मैं आपको हर प्लेस की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाने वाला हूँ ताकि आपको भी पता चले कौन से प्लेस और कैसे प्लेस है। हेलो गाइस, अभी फर्स्ट प्लेस हमने लिया है गांधी आश्रम, तो वहीं से बस ऊपर थी तो पहला प्लेस गांधी आश्रम का ही लिया है। तो हम पहले गांधी आश्रम घूमेंगे। पहले सबसे पहले हमने गाइड ने हम सबको पूरी डिटेल दी गांधी आश्रम के बारे में और अभी हम घूमने जा रहे हैं, तो आधे घंटा हमें दिया है गांधी आश्रम घूमने के लिए, तो हम घूमते हैं गांधी आश्रम। थोड़ी बनती है से, आप कभी भी रात को उठा के भी बनाने बोलो तो बन दोस्तों, सेकंड प्लेस हमारा है हाथीदंत जैन टेम्पल, जिसकी हम विजिट करते हैं। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, ओनली आप बाहर से ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो आइए चले चलते हैं हाथीदंत जैन टेम्पल।
दोस्तों फाइनली थर्ड प्लेस है हमारा सिद्धि सैयद जाली मकबरा, जिसकी हम आज विजिट करने वाले। सिद्धि सैयद जाली में आपको बाहर से ही दिखाया जाता है, उसको अंदर नहीं ले जाए तो एक माइनस पॉइंट है, अंदर ले के जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर आपको लेके नहीं जा रहे। उसके अलावा भद्र फोर्ट भी आपको बाहर से ही देखने को मिलेगा, वो अंदर से बंद है तो वो आपको बस में से दिखा देंगे। अभी हम पहुंचे रानी सिपरी, जिसके हम विजिट करते हैं, आए चलिए। झूलता मीनार आपको बस में से ही दिखाया जाएगा, क्योंकि अंदर जाना भी वहाँ पर भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आपको बाहर से ही झूलता मीनार दिखाया जाएगा। दोस्तों अभी हम पहुँचे सरदार पटेल म्यूजियम में, तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ अंदर आने के लिए आपको अलग से टिकट चार्ज लेना होगा, यहाँ पे पर पर्सन 20 रुपये टिकट चार्ज है। आइए चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी हम पहुंचे अडाला स्टेप वेल, तो आइए चले अंदर घूमते हैं। यहाँ अंदर आने के लिए 25 रुपये अलग से चार्ज है, तो यहाँ पे पर पर्सन 25 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ है, तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं।
चलो दोस्तों, अभी हमने अक्षरधाम टेम्पल की विजिट की। जहाँ पर आप अंदर जा रहे हो तो यहाँ पर आप मोबाइल और कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। उसके अलावा यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फीस भी अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर आपको लास्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर आपको वाटर शो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हम अक्षरधाम टेम्पल पहुँचेंगे जहाँ पे वाटर शो होता है, तो वो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया वाटर शो होता है यहाँ पर, जिसके 100 रुपये पर पर्सन चार्ज होता है जो हमें देना होता है। सारे प्लेस देख सको।